नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राजस्थान में किसानों में और जनजातियों में अपने शासकों के विरुद्ध जो आक्रोश की भावना जागृत हो रही थी, उसके कुछ कारणों का अध्ययन किया था। इसमें हम बिचौलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ और कैसे वो आगे बढ़ा, उसका क्या परिणाम रहा, इन सब की चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना चाहिए कि ये जो बिजोलिया रियासत है वो आपके मेवाड़ रीजन में, यानी कि मेवाड़ स्टेट में आती है। और मेवाड़ प्रिंसली स्टेट, जब 1818 के बाद में जब संधियां हुई थी ब्रिटिश सरकार के साथ में, तो उसके बाद में प्रिंसली स्टेट्स बना दिए गए थे। और इन प्रिंसली स्टेट्स में से एक महत्वपूर्ण जो प्रिंसली स्टेट था, देशी रियासत थी, वो थी मेवाड़ की देशी रियासत, जिसका मुख्य केंद्र उदयपुर था। और इस उदयपुर के अंतर्गत राजसमंद, भीलवाड़ा, जो ब्लू जो एरिया हो रखा है सामने, आपके सामने जो मैप है उसमें उसमें उसे हम देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब आ, 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 हो गए थे, ये सब इसके क्षेत्र थे। और इसी में भीलवाड़ा के नजदीक ही बिजोलिया एक क्षेत्र है, जहाँ जहाँ बिजोलिया एक ठिकाना था। और यहाँ पे ये बेसिकली पहले ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की जो जागीर है वो पहले तो जब पहले ये गोविंद दास नाम के एक जागीरदार था, उसके नियंत्रण में थी। लेकिन जब जैसे ही जागीर इस गोविंद दास के बाद में शासक किशन दास नया जागीरदार बना, तो इसने प्रशासन में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की। उसने एक तो क्या किया कि नए व्यक्तियों को नियुक्त किया प्रशासन में। साथ ही साथ इसने किसानों से जरूरत से ज्यादा टैक्स, मतलब आधे से भी ज्यादा टैक्स लेना लेने वसूल करने के आदेश दे दिए। और कुछ जो लागतें थी, जो कि पहले केवल अनप्रेसिडेंट सिचुएशंस में ही वसूल की जाती थी, उन्हें अब परमानेंट कर दिया गया। इसी के अतिरिक्त जो लाटा और कूटा, जो एक फसल हम लोगों ने पिछले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि लाटा और कूटा एक पद्धति थी जिसके द्वारा सामंत और किसान के बीच में लगान का बंटवारा हो जाता था। तो ये लाटा कूटा करने के बाद में तो किसानों के पास में बिल्कुल भी जो बचत होती ही नहीं थी। इसके ऊपर से फिर ये लागतें, बेगारी और इन सब के कारण जो किसान है उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और इसी कारण से बिजोलिया में 1897, ये जो आप देख रहे हैं सामने, 1897 के में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और ऐसा बताया जाता है कि एक किसान था, उसके उसका मृत्यु भोज था गिरधारीपुरा नाम के गांव में। वहां पे बहुत सारे लोग थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हम महाराणा के समक्ष जाएं और किसानों किसानों की जो क्या दुर्दशा हो रही है बताएं हम उन्हें। उदयपुर में जो महाराणा रहते हैं उनको हम बताएं कि किस तरीके से आपका एक जो जागीरदार है वो किसानों का शोषण कर रहा है। लेकिन और इसके लिए उन्होंने नानजी और ठाकरी पटेल, इन दोनों को भेजा भी उदयपुर, लेकिन महाराणा ने उनको मिलने का समय ही नहीं दिया और महाराणा मिले ही नहीं इनसे। यद्यपि महाराणा को किसानों का शिकायत पत्र मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान इसके बावजूद भी जो उन्होंने एक व्यक्ति को जांच के लिए भेजा, और उसने भी अपनी जांच में पाया कि जागीरदार जो है वो मनमान तरीके से टैक्स वसूल कर रहा है। और महाराणा ने ने जो लाग बाग इतने ज्यादा बढ़े हुए थे उनके कारण जागीरदार को चेतावनी दी कि वो जरूरत से ज्यादा लागतें ना ले।
लेकिन कुछ बहुत कुछ हो ही नहीं पाया। जागीरदार अपनी मनमर्जी करता रहा, बल्कि उल्टे जो जो दो लोग शिकायतें लेकर के गए थे, जैसे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये जो शिकायतें लेके गए थे उनको बिजोलिया से ही निष्कासित कर दिया और उनकी भूमि को भी जब्त कर लिया और उन पर उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ा। इस कारण से किसानों को ये समझ में आ गया कि जब महाराणा के समक्ष उन्होंने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की तो कुछ बहुत कुछ उनको कुछ प्रत्यक्ष लाभ मिल ही नहीं पाया, बल्कि बल्कि वो बल्कि उनको नुकसान ही हो गया है। इसलिए उन्होंने अब एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने 1904 में किसान में जागीरदार के समक्ष कुछ जागीरदार के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत की, लेकिन जागीरदार ने भी इस किसानों को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी। हालांकि कुछ छोटी मोटी रियायतें उनको दी। जब इस किशन सिंह की मृत्यु हो गई 1906 में, उसका जो पुत्र है पृथ्वी सिंह, वो बिजोलिया का नया शासक बना। और उसने 1904 में जो जो इस किशन सिंह ने उसके फादर ने जो रियायतें किसानों को दी थी वो अब बंद कर दी और किसानों से और ज्यादा टैक्स वसूल करने के लिए कहा। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो अपनी गद्दी नशी के उपलक्ष्य में कि महाराणा को उत्तराधिकार शुल्क यानी कि तलवार बंधाई का शुल्क भी देगा, और इसके लिए उसने एक तलवार लाग नाम से एक नई लागत प्रारंभ कर दी। और किसानों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और इनमें से साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव की सलाह पर किसानों ने ऊपरी मालकी क्षेत्र को ऐसे ही रख दिया, उसपे खेती नहीं की और किसानों ने अपने जीवन निर्वाह हेतु आसपास के क्षेत्रों में जाके काम करना प्रारंभ कर दिया। ठिकाने ने फिर से दमनकारी नीति अपनाई और कई जो किसान कार्यकर्ता हैं उनको जेल में डाल दिया, और साथ ही साथ में किसानों ने जब जब फसल नहीं बोई तो यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई और ठिकानों को कोई लगान न मिलने से किसानों को भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। इसी बीच में जो पृथ्वी सिंह है उसकी 1914 में मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका जो अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह, वो जागीरदार बना। लेकिन क्योंकि वो अल्पवयस्क था, इसलिए इसलिए जो जागीर का प्रबंध है वो मेवाड़ सरकार के नियंत्रण में चला गया। और ये जो अल्पवयस्क उत्तराधिकारी था पृथ्वी सिंह का जो पुत्र केसरी सिंह, इसकी जो माँ है उन्होंने किसानों की मांगों को मान लिया और महाराणा ने भी उन रियायतों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ठिकाने के कर्मचारी थे उन्होंने किसानों तक ये लाभ पहुंचने ही नहीं दिया और जो लागतें और बेगार हैं वो पूर्व की भांति चलते रहे, जिसके कारण जो किसानों की स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो गई। और उन्हें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उनके साथ में और ज्यादा दिक्कतें आ गई। उनको राजकोष में धन जमा कराने के लिए कहा गया तो इसका भी बोझ जागीरदारों किसानों पर लाद दिया। अब पहले से ही लागतें ज्यादा थी, लाग भाग ज्यादा थी, बेगारी ज्यादा थी, ऊपर से उनके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में युद्ध कोष में धन जमा करने का प्रेशर डाल दिया गया, जिससे जो किसानों की स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो गई। और इस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन होने की पूरी संभावनाएं हो गई थी। और इस जो आगे का जो चरण है, ये प्रथम चरण जो 1897 से लेकर 1914 तक का जो चरण था, जिसमें प्रमुख नेता फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद, साधु सीताराम दास, ये लोग थे। इन्होंने इस जो प्रारंभिक चरण है इसको लीडरशिप दी थी। और आगे का जो चरण है, नेक्स्ट चरण जो है, वो पृथ्वी सिंह विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में प्रारंभ में किया पृथ्वी सिंह विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में
प्रारंभ किया गया और ये एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना जिसकी छाप पूरे राष्ट्र में पड़ी और यहाँ के कई लोगों ने यहाँ के जो किसानों ने पूरे देश के जो किसान हैं उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।